हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और बस मैं लगी हुई हूँ मेरे घर के काम में। और आज है 26 जनवरी, यानी कि हमारे देश का गणतंत्र दिवस। तो आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में ये दिन भी किसी त्यौहार से कम नहीं है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रितिका तो गई थी आज क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम होता है, पर ईशांत नहीं गया था। ईशांत का मन नहीं था जाने का। वैसे ये किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। 26 जनवरी को तो स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, नाच गाना होता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पर ये दोनों बहन भाई किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो रितिका तो चली गई थी, ये नहीं गया था, ये आज घर पर ही है। और कई दिन हो गए थे हमने इस बैठक में सरसों डाल रखी थी, तो वो कल या परसों निकलवा दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी झाड़ू लगाई थी। अभी आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी सरसों निकलवाने के बाद यहाँ से साफ़ सफाई तो मुझे करनी ही थी। जाड़े वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि अनाज को हम घर में डाल लेते हैं तो फिर अजीब सी स्मेल भी हो जाती है और जाड़े वगैरह तो हो ही जाते हैं। और अनाज को हम घर में डाल लेते हैं तो चूहे भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत सरसों नीचे चिप गई थी, वो सारी हटाकर फिर आज अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो अभी धुलने की भी सोच रही थी मैं, पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि धोई नहीं थी। फिर मैंने बस ऐसे ही अच्छी तरह से झाड़ू लगा दी थी और जाड़े वगैरह साफ़ कर दिए थे। अभी सर्दियों का मौसम है ना, धो देंगे तो फिर इतनी जल्दी से सूखेगी नहीं। किसी दिन अच्छी तेज़ की धूप निकलेगी, उसी दिन ही धोएंगे। और हमारे घर में हमने जो कच्चे फर्श करवा रखे हैं ना, इनका भी लेवल कुछ ठीक नहीं है। अगर धोते भी हैं ना तो पानी किधर का किधर ठहर जाता है, तो धुलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इतनी जल्दी से सूखता भी नहीं है। फर्श होता है तो हम पोचा लगा देते हैं या फिर धो भी देते हैं तो बड़ी जल्दी सूख जाता है, पर इसमें हम पानी डाल देते हैं तो सूखने का तो नाम ही नहीं लेता है। गर्मियों में ही बड़ी मुश्किल से सूखता है क्योंकि गड्ढे से हो जाते हैं तो उनमें पानी रुक जाता है। तो इसलिए मैंने धोई तो नहीं है बैठक, बस ऐसे ही झाड़ू लगा दी है। और अभी बाहर का काम मेरा सारा बाकी है। आज मैं सुबह सुबह बस थोड़ा बहुत मेरा बाहर का काम निपटाने के बाद फिर लग गई थी झाड़ू लगाने में। और बैठक में आ गई फिर मैं, यहाँ से साफ़ सफाई करने लगी तो फिर थोड़ा सा और भी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। अभी ये पलंग बाहर निकाल देती हूँ। और इन पलंगों में इतना ज़्यादा वजन है, एक तो ये पलंग और एक जो हमने बैठक में तख्त डाल रखा है वो हमने शीशम का बनवाया था, शीशम का नहीं जांडी का बनवाया था, तो इसमें वजन बहुत ज़्यादा है। वैसे आजकल जो हम बाज़ार से तख्त वगैरह लेकर आते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा वजन नहीं होता है, बहुत हल्के होते हैं, पर हमारा ये तख्त है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वजन है। और मेरा तो बेड में भी है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा वजन है, इसीलिए इतनी जल्दी से मैं इन सब चीज़ों को इधर उधर हटा नहीं पाती हूँ। नहीं तो मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि झट से उठाकर कभी इधर कभी उधर कर देते हैं, पर हमारे तो ये तख्त और बेड दोनों चीज़ें बहुत ही भारी हैं, इतनी जल्दी से सरकती ही नहीं है। तो एक बार जहाँ बिछा कर छोड़ देते हैं वहीं पर रखते हैं हम तो। पर ये बहुत साल पुराना हो गया है और ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि ये हमने ख़रीदा नहीं था, घर पर ही बनवा कर तैयार करवाया था। और घर की बनी हुई चीज़ें इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। घर पर हम साईबंदी से जो चीज़ें बनवाते हैं और पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुराने पलंग भी होते हैं, पहले शादियों में पलंग देते थे, वो पलंग इतने बढ़िया होते हैं कि इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। आजकल वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आजकल तो हम पलंग वगैरह चारपाई कुछ भी लेकर आते हैं, कहीं कहीं चारपाई बोलते हैं, हमारे यहाँ पलंग बोल देते हैं, तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और पुरानी चीज़ें, जैसे मेरी मम्मी के पास है एक पलंग, वो बहुत पुराना है लेकिन फिर भी जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और अभी न हम नई जो चीज़ें लेकर आती हैं वो कुछ साल चलती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं पहले की जैसी। तो आजकल लकड़ी भी नहीं होती है और चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग है। और अभी अंदर से झाड़ू मैंने लगा दी है, अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और आज तो बस मैं साफ़ सफाई में ही लगी हुई हूँ। यह तिरपाल वगैरह और ये कट्टे, ये सारी चीज़ें हमने निकाली थी, बारिश का मौसम हो गया था तभी, एक दो में गोश्ते भर कर रख दिए थे और ये तिरपाल लेकर आए थे लकड़ी वगैरह ढकने के लिए। और फिर बारिश तो आई नहीं तो ये सामान सारा बस इधर उधर फैल गया। अभी थोड़ा बहुत मैंने उठा कर रख दिया है और अभी मैं लगा देती हूँ ठाणों में झाड़ू। आज तो मेरा आधा दिन झाड़ू लगाने में ही निकल गया था। वैसे तो मेरी ये डेली की रूटीन है, पर किसी किसी दिन मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ तो उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 4-5 दिन में ऐसा होता ही है कि अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके झाड़ू लगानी पड़ती है। वैसे तो डेली डेली हम साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन फिर भी 4-5 दिन में अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है।
और ये जो हमारे काम होते हैं ना, हम घर पर साफ सफाई करते हैं, सामान जचाते हैं, ये काम हमारे दिखाई भी नहीं देते हैं और हमारा पूरा दिन निकल जाता है। काम सिर्फ इतना आता है गिनती में कि झाड़ू लगाई, गोबर उठाया, और ये इतनी ज़्यादा टाइम का काम नहीं है। काम सिर्फ गिनती में दो आते हैं और दिन हमारा पूरा निकल जाता है। कई बार ये बोल भी देते हैं कि इतना काम ही क्या है, बस झाड़ू लगानी है, गोबर उठाना है, घर का काम करना है, और हमारे ये जो घर के काम है ना छोटे मोटे, ये दिखाई नहीं देते हैं, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम पूरा दिन काम करते हैं और फिर मुझे कोई ये बोल दे कि पूरा दिन करते ही क्या हो। हम तो पूरा दिन लगे रहते हैं काम करने में, घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि साफ सुथरा घर रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर कोई आ जाता है और घर फैला हुआ होता है ना, तो फिर बड़ा ही अजीब सा लगता है। और किसी दिन घर फैला रहता है, जैसे कि टाइम नहीं मिलता, या फिर कभी कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेट हो जाते हैं और घर फैला रहता है, उस दिन तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। और हर रोज़ हम साफ़ सफाई करके अच्छी तरह से रखते हैं ना, तब कोई नहीं आता, और जिस दिन भी घर फैला रह जाता है उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आता है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, जिस दिन भी मैं ये सोचती हूँ ना कि आज एक दो काम एक्स्ट्रा है तो आज साफ़ सफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही झाड़ू लगा कर छोड़ देती हूँ, तो उस दिन तो कोई ना कोई आ जाता है। और वैसे हम अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके और घर को जचा कर रखते हैं ना, तो कोई नहीं आता है। बल्कि रितिका भी यही बोलती है कि मम्मी हम घर को साफ़ सुथरा रखते हैं और जचा कर रखते हैं, उस दिन तो कोई नहीं आते, और जिस दिन थोड़ा बहुत घर फैला रह जाता है उस दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। वैसे मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ घर को साफ़ सुथरा रखने की, लेकिन कभी कभी सुबह सुबह का टाइम हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर दोपहर को भी कभी हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं तो घर फैला रह जाता है। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया है और अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और बस मैं रितिका के साथ हम तीनों आ गए हैं हमारी रसोई में। काम निपट गया था और लगभग मैं मेरा सारा काम निपटा कर फिर खाने की तैयारी में लगती हूँ। चूल्हे के पास बैठे बैठे फिर खाना बनाते रहते हैं। और खाने में आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। गाजर मैंने घिया कसने से निकाल ली है। आज का दिन भी हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। शांतिया लाकड़ी दब रही है मुड्डे नीचे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाते हैं। और मैं बनाने वाली थी गाजर को उबाल कर, थोड़े ऐसे अलग तरीके से बनाने वाली थी गाजर का हलवा, पर रितिका ने मना कर दिया कि उबाल कर नहीं ऐसे ही बनाएंगे। तो अभी रितिका को तो मैंने लगा दिया है सब्जी की तैयारी में, और मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ऐसे उबाल कर बनाते हैं तो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। के मम्मी, के मम्मी कहते तू रहने दे, तेरे पना कटती तो मैं काट लूंगी। मेरी कौन सुनी? हाँ बोल। हमने कही थी रितिका, हाँ चिकनी सी है, और है डैनी, और डैनी को भी आज मैंने खुला छोड़ दिया है। आप सब बोलते रहते हैं कि आप डैनी को बांध कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, तो आज मैंने इसे खुला छोड़ दिया है। ईशांत और डैनी, तो चलिए अभी खाने की तैयारी में लगते हैं। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध, और ये मैंने 1 किलो के आसपास दूध लिया है, और 1 किलो के आसपास ही मैंने गाजर ली थी। ऐसे हम जो ये गाजर का हलवा बनाते हैं खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो दूध में उफान आ गया था। उसके बाद फिर अभी मैंने डाल दी है गाजर, और पिछली बार मैंने पहले गाजर को घी में फ्राई किया था, उसके बाद फिर दूध डाला था। तो आप सब बोल रहे थे कि पहले दूध को उबालते हैं उसके बाद फिर गाजर डालते हैं, इस बार मैंने कुछ ऐसे ही बनाया है और दूध भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जितनी गाजर उतना ही दूध डाला है, क्योंकि ये हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम गाजर के बराबर ही दूध डालते हैं। तो अभी ये देखिए दूध तो अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स हो गया था, पर गाजर थोड़ी सी अलग अलग सी दिखाई दे रही थी मुझे, वो हलवा फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने ले लिया है ये घोटना, पहले गाजरों को अच्छी तरह से घोट लेते हैं, क्योंकि आज मैंने ये जो गाजर मंगवाई थी ना ये थोड़ी सी मीठी भी कम थी और नरड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था, जैसे कि जो बीच का पीला हिस्सा होता ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, वैसे तो मैंने निकाल दिया था, और इसीलिए ये देखिए आज हलवा का कलर भी थोड़ा सा अलग है, जैसे गाजर का कलर होता है ना वैसा नहीं है। तो अभी घोटने के बाद मैंने डाल दी है चीनी, चीनी डालकर भी अभी लगभग इसको हम आधा घंटा पकाएंगे। आज इस हलवे को बनाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था। एक तरह से ये गाजर पाक ही बनकर तैयार हो गया हमारा। तो अभी ये देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी इसमें आप चाहें तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, थोड़े बहुत भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाले हैं, बिल्कुल सिंपल हलवा बनाया है। तो अभी कढ़ाई को मैं उतार कर रख देती हूँ नीचे, और अभी मैं जाऊँगी सब्जी बनाने के लिए। आज अभी तक तो हमारी सब्जी भी नहीं बनी है, रोटियाँ तो फिर उसके बाद ही बनाऊँगी मैं। और अभी मैं आ गई हूँ गैस के पास,
खाने में आज मैं आलू और गाजर की सब्जी बनाने वाली हूँ। गाजर का हलवा है और आलू गाजर की ही सब्जी है। साथ में थोड़ी सी गाजर छील ली थी मैंने सब्जी के लिए भी। वैसे तो अभी चूल्हा भी खाली था, हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया था, पर सब्जी मैंने गैस पर ही बनाई है क्योंकि कुकर में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और कढ़ाई में हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और आज मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10-11 बजे तक हमारा खाना चलता रहता है, 8 बजे के बाद ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई हम खाना बनाने में। तो अभी झटपट मैंने रोटियां भी बना ली हैं और सबका खाना भी हो गया है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ मेरे लिए और रितिका के लिए थाली। तो आलू गाजर की सब्जी है, गाजर का हलवा है और सिंपल गेहूँ की रोटियाँ रखी हैं मैंने। अभी हमारे घर पर ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गए तो ये 2-3 काजू बचे हुए थे, बस मैंने यही डाल दिए हैं डेकोरेशन के लिए थाली में। तो थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।